नमस्कार, मैं शिखा, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। हाजिर हूँ आपके सामने महाराष्ट्र चुनाव का एक और अहम मुद्दा लेकर। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर सभी सियासी दल पूरे जोर शोर से लगे हैं। दोनों गठबंधन महायुति और महाविकास अघाड़ी ने अपने अपने घोषणा पत्र जारी कर दिए हैं। इस बार रोजगार, महिलाओं को लेकर और किसानों को लेकर कई वादे किए गए हैं। लेकिन इस बीच एक और मुद्दा चुनाव में गरमाया हुआ है। जी हाँ, वो प्याज का मुद्दा है। इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर हमला बोल दिया है। आप भी हमारी ये पूरी रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र में महायुति के लिए वोट मांग रहे हैं। अपनी धुले की रैली में पीएम मोदी ने कहा कि महायुति का वचननामा शानदार रहा है। महायुति ने जो वादा किया उसे पूरा किया, लेकिन कुछ लोग आंखों में धूल फेंकने का कारोबार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे वचननामे में सबके लिए कुछ ना कुछ है, लेकिन महाअघाड़ी की गाड़ी में ना ब्रेक है ना पहिया, इसलिए वो लूट की राजनीति और झूठ की राजनीति कर रही है। वहीं इससे पहले कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला करते हुए तीन कठिन सवाल पूछ डाले। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला करते हुए पूछा कि गुजरात के सफेद प्याज उत्पादक किसानों को महाराष्ट्र के लाल प्याज उत्पादक किसानों की तुलना में तरजीह क्यों नहीं दी जा रही है। बीजेपी ने महाराष्ट्र में आदिवासियों के वन अधिकारियों को कमजोर क्यों किया है। महायुति ने नासिक नगर निगम का चुनाव क्यों नहीं कराया। बता दें कि धुले और नासिक में प्रधानमंत्री मोदी की रैलियों से पहले कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने ये सवाल दागे। कांग्रेस महासचिव ने कहा कि दिसंबर 2023 से महाराष्ट्र के प्याज किसान मोदी सरकार द्वारा प्याज निर्यात पर लगाए गए प्रतिबंधों से परेशान हैं। उन्होंने बताया कि प्याज की खेती के मौसम में राज्य के किसानों को अपर्याप्त वर्षा और जल संकट का सामना करना पड़ रहा है, तथा अधिकतर किसान अपनी समान फसल का केवल 50% ही उत्पादन कर पाए। नतीजतन किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ा। वहीं रमेश ने एक्स पर अपने पोस्ट में कहा कि क्या नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री यह बता सकते हैं कि उन्होंने पक्षपात क्यों किया। उन्होंने महाराष्ट्र के प्याज किसानों की इतनी उपेक्षा क्यों की, जबकि गुजरात के प्याज किसानों की चिंताओं को प्राथमिकता दी। वहीं जयराम रमेश की यह टिप्पणी महाराष्ट्र में 20 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए जारी प्रचार के बीच आई है। ऐसे में कई भाजपा को ये प्याज वाला मुद्दा भारी न पड़ जाए, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल हमारी इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें सी न्यूज़ भारत।